नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे विधि विधान कर्मकांड के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर राम की महिमा बताते हुए कहा, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने यह ऐलान भी किया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इशारा भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर था। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री का निशाना आगामी लोकसभा चुनाव था। खैर, जो भी हो, उनके मन की बात वो ही जाने, अपन तो बस एक भजन सुन लेते हैं। लेकिन एक राम भजन यहाँ पर आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब तो भगवान राम के दर्शन आपने कर लिए हैं। सिंहासन हो गया तैयार, पधारे श्री राम दरबार, अयोध्या कर रही जय जयकार। आज तक पर खबरों की इस मारामारी में भी खबरें कम थी, भजन मंडली ज्यादा थी। आज तक और सभी खबरिया चैनलों ने लगातार बेनागा प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने के बाद उनका अखंड कवरेज दिखाया। उनका लाइव दर्शनीय छटा बिखेर रहा था। प्राण प्रतिष्ठा की पवित्र घड़ी में भी प्रधानमंत्री जी के कैमरा मुंह का पूरा ध्यान रखा गया था। वो रामलला की पूजा सामने से नहीं कर रहे थे, बल्कि रामलला के दाहिनी ओर एक विशेष आसन से कर रहे थे, ताकि कैमरामैन को असुविधा न हो। समझदार गच्चा खा सकते थे कि मोदी जी रामलला की पूजा कर रहे हैं या कैमरे की, क्योंकि रामलला का मुंह मोदी जी से 90 अंश के कोण पर घूमा हुआ था। इस तरह से कैमरामैन का काम आसान हुआ और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा फूकी गई, दैवत्व का वास हुआ। रामलला का मंदिर बहुत दिव्य और भव्य बना है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने खूब महंगी महंगी और बड़ी बड़ी जमीनें भी खरीदी हैं, लेकिन साष्टांग दंडवत के लिए जगह थोड़ी कम थी। ऐसे कठिन मौके पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी जगह बनाकर रामलला को शीश नवाया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों की निगाह मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को खोजती रही, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। दरअसल धर्माचार्यों ने कुछ समय पहले ही यह सवाल खड़ा किया था कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का मुख्य यजमान कोई गृहस्थ ही हो सकता है। इसी वजह से यह फैसला हुआ था कि मोदी जी प्रतीकात्मक यजमान होंगे, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं है, और मिश्रा जी मुख्य यजमान होंगे, लेकिन मिश्रा जी सपत्नीक नजर नहीं आए। दिन राम का था, लेकिन चैनलों ने साफ कर दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको दिखाएंगे। इस चक्कर में राम भक्ति का चौतरफा प्रताप होने के बावजूद मोदी जी बनाम राम जी में 4:1 के हिसाब से विजुअल खर्च किया गया। राम जी ने संतोष कर लिया। इस पूजा में मोदी जी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी पटेल भी शामिल रहे, इसलिए कैमरे पर फुटेज का बड़ा हिस्सा मोदी जी को इन सब के साथ शेयर करना पड़ा। इस कवि की भरपाई मोदी जी ने पूजा पाठ समाप्त होने के बाद की। कैमरे के सामने उनका सोलो शो खूबसूरत था। Thank you.
इसी बात पर बस एक और भजन हो जाए और जल्दी से हम लोग चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, एक भजन यहाँ पर कर लेते हैं भगवान राम के नाम की भजन। पीएम की तस्वीरें और मंदिर की मूर्ति भी हम आपको दिखा ही रहे हैं, एक भजन शुरू करते हैं। राम अवध में आए सारे जग में उल्लास है, हुई पूरी हर आस है, राम अवध में आए। ये तो खैर मजाक की बात हुई, आगे कुछ बहुत गरिष्ठ और गंभीर है। अंग्रेजी के वरिष्ठ पत्रकार हैं तवलीन सिंह, प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के रविवारी संस्करण द संडे एक्सप्रेस में कॉलम लिखती हैं। इसका नाम है फिफ्थ कॉलम, नाम के एकदम मुताबिक। अखबार के शीर्ष से शुरू होकर अंत तक जाता है यह फिफ्थ कॉलम, कह सकते हैं यथा नाम तथा गुण। बीते दो हफ्तों में तवलीन सिंह ने अपने इसी स्तंभ में दो लेख लिखे हैं। एक लेख में इन्होंने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में कांग्रेस पार्टी के शामिल न होने को लेकर अपने विचार पेश किए हैं। लबिलवाब यह कि कांग्रेस का यह कदम आत्मघाती है, उसके पास न तो राजनीतिक समझ है न ही उससे निपटने की कोई योजना। दूसरे लेख में इन्होंने अयोध्या के आयोजन को हिंदुओं का रेनेसां, बोले तो पुनर्जागरण घोषित किया है। इनके मुताबिक बीते कई सौ सालों में यह हिंदुत्व का पहला रेनेसां है। और फिर तवलीन सिंह एक इंटरव्यू में कहती हैं, अयोध्या न जाकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि राम मंदिर धर्म से परे है और राजनीति से परे है। इसकी बजाय राहुल गांधी मणिपुर से बेमतलब की यात्रा निकाल रहे हैं। It's gone beyond politics and it's gone beyond religion in my view. If I was advising his son, I would have told him to begin his Nyaya Yatra from Ayodhya or to take it there, to go via Ayodhya. They could have taken the wind out of the sails of the BJP if they think it's just a party event. Instead, he's going off to Manipur at the very time that all this is happening. लेकिन मैं एकदम शुरुआत में एक स्पष्टीकरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। यह पूरा एपिसोड कांग्रेस को क्या करना चाहिए इस बात पर नहीं, बल्कि तवलीन सिंह के लेखों में छिपे सतहीपन और खतरों का विश्लेषण करने के लिए है। भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक और गंभीर मोड़ से गुजर रही है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तवलीन सिंह और इंडियन एक्सप्रेस जैसा प्रतिष्ठित अखबार इतने महत्वपूर्ण स्पेस को इतने सतही राजनीतिक विश्लेषण के लिए खर्च कर रहा है, यह अचरज और असहज दोनों करता है। राम मंदिर राजनीति नहीं है, यह किस किस्म का राजनीतिक चिंतन है, इस पर कौन भरोसा करेगा? और राम धर्म से परे हैं, इस समझदारी पर भला कौन यकीन करेगा? Quite sort of, you know, it was like as if like a cultural renaissance, the beginning of something new. This goes beyond religion in my view. And when I talk to ordinary people, you know, just they're not seeing this as a political issue. They're seeing this as an Indian issue. Ram Mandir Bhajpa ke rajnitik agenda mein kab shamil hua? जवाब है 1984 में जब भाजपा लोकसभा में दो सीटों पर सिमट गई। इस मौके पर भाजपा ने दो चीजों की तिलांजलि दे दी, एक तो वह बुनियादी आधार जिसका वादा 1980 में भाजपा के गठन के दौरान किया गया था, यानी गांधीवादी समाजवाद। 84 की हार के बाद गांधीवादी समाजवाद को कूड़ेदान में फेंक भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गाड़ी पर सवार हो गई। साथ ही पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उसके चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना। और फिर 1989 के लोकसभा चुनाव से अनवरत हम यह सिलसिला 2019 तक भाजपा के घोषणा पत्र में देख सकते हैं। 1989 के पहले भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर कहाँ था? तो तवलीन सिंह जैसी वरिष्ठ पत्रकार का आज के बदले माहौल में यह कहना कि राम मंदिर राजनीति से परे है, धर्म से परे है, न सिर्फ बौद्धिक बेईमानी है बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की तोड़ मरोड़ भी है। और राम मंदिर बनाने का संकल्प जो है वो भारत पालमपुर में लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी 89। मैं तब हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और यहाँ पूरे भारत के हमारे सब नेता आए थे और उसमें राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ था। भाजपा की इस बदली रणनीति की तुलना भारत में ही घटी एक और राजनीतिक घटना से की जा सकती है और यह बड़ी सटीक और दिलचस्प तुलना है। इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू होने के बाद 1937 में हुए प्रोविंशियल चुनाव में इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस से इन चुनाव में बुरी तरह हार गई। पहले प्रांतीय चुनाव में देश ने कांग्रेस पर जमकर भरोसा जताया और सांप्रदायिक दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए
हर धर्म, जाति, संप्रदाय ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान करते हुए 707 सीटों पर जीत दिलाई। उस वक्त तक उसका राजनीतिक एजेंडा एक सेकुलर आजाद ख्याल राजनीति का हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की बड़ी जीत ने लीग को राजनीतिक प्रासंगिकता के हाशिए पर ढकेल दिया। वहां से लीग ने अपनी विचारधारा को कट्टर मुस्लिम पहचान और हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ओर घुमा दिया। यह कट्टर से कट्टर होती गई, नतीजा अंत में भारत पाकिस्तान के बंटवारे, लाखों लोगों के विस्थापन और मौतों के रूप में हुआ। राजनीति जब अप्रासंगिक होती है तब धर्म की आड़ में छद्म खेल रचती है। किसी विद्वान ने कहा है, अगर सामूहिक रूप से पूरा समाज किसी भेड़चाल में शामिल हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है। भारत फिलहाल इसी तरह की एक परियोजना की चपेट में है। तवलीन सिंह इस दौर को हिंदुत्व का पुनर्जागरण या रेनेसां कह रही हैं। यह हास्यास्पद है। भारत और भारतीयों का पुनर्जागरण हालिया इतिहास में एक बार हुआ है, सन 1947 में, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों के बल लाकर आजादी हासिल हुई थी। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित इतनी बड़ी आबादी बहुत आसानी से किसी प्रपंची और स्वार्थी राजनीति के हाथों पड़कर अंग्रेजों का आसान शिकार बन सकती थी, लेकिन बाकी दुनिया के मुकाबले भारत ने साम्राज्यवाद और औपनिवेशिकता के खिलाफ लगभग रक्तहीन क्रांति की। अहिंसा जैसे एक कमजोर विचार को ताकतवर हथियार बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंका गया। यह भारतीय सभ्यता की विजय का अवसर था। इसमें कुछ भारतीय मूल्य निहित थे जिसने बंटवारे के बावजूद अपने आत्मविश्वास को कायम रखा था और यहां तक पहुंचा था। भारत और भारतीयों के पुनर्जागरण या रेनेसां की तारीख हमेशा 15 अगस्त 1947 ही रहेगी। तवलीन सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक, बतौर नागरिक, कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को सलाह देने, आलोचना करने का अधिकार रखती हैं, लेकिन उनके विचारों का एक सम्यक मूल्यांकन अक्सर उस सीमा को पार कर देता है जहां मूल्यांकन तटस्थ और व्यक्ति निरपेक्ष न रहकर व्यक्तिगत आग्रहों और कुंठाओं का बायस बन जाता है। और आप यकीन मानिए कि मैंने तवलीन सिंह की किताब दरबार को पढ़ा है। उनका ये कहना कि अयोध्या न जाकर कांग्रेस और इसके शीर्ष नेतृत्व ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, यह वैचारिक खोखलापन है। अव्वल तो तवलीन सिंह, मैं या फिर कोई भी अन्य राजनीतिक विश्लेषक आज के माहौल में इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस और विपक्ष के पाले में 2-4 वोट भी बढ़ जाएंगे। यह एलिस की वंडरलैंड में सैर जैसा है। जिस जनता ने हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी और मोदी को चुना है, उन्हें कांग्रेस के अयोध्या जाने न जाने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की जूनियर पार्टनर बनने की सलाह देने में कोई गहरी राजनीतिक समझ तो नजर नहीं आती है। खैर, मेरी दूसरी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ है? चुनाव राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जब हमारे सामने यह सवाल कई रूपों में खड़ा है कि इस देश का लोकतंत्र अब क्या आकार लेगा, कभी ईडी के रूप में, कभी ईडी के निदेशक की नियुक्ति के रूप में, कभी चुनाव आयोग की नियुक्ति के बिल में, कभी दिल्ली सरकार की ताकत कम करने वाले बिल के रूप में, कभी 100-150 सांसदों को संसद से निलंबित करने के रूप में, कभी नेताओं और पत्रकारों के मोबाइल की जासूसी के रूप में, कभी आधी रात CBI निदेशक के दफ्तर में उठापटक के रूप में, कभी एक कॉरपोरेट कंपनी को दी जा रही बेइंतहा छूट के रूप में, कभी CAA और NRC जैसे कानूनों के रूप में हमारे सामने आ रही है, उसमें यह सवाल सबसे मौजूद है कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव ही अंतिम ध्येय है, या इसके परे भी कुछ है जिसे देश का लोकतंत्र और संविधान कहते हैं। अगर लोकतंत्र, उसकी संस्थाओं और संविधान को कमजोर किया जा रहा है, उस पर संकट दिख रहा है, तो उससे निपटने के लिए आगे कौन आएगा? क्या सारे उपक्रम, सारी बिसातें सिर्फ चुनावी जीत के लिए ही बिछाई जाएंगी? तो फिर इसे हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुए नैतिक, अनैतिक, आपराधिक कृत्यों का विरोध आप किस मुंह से करेंगी? हमारे देखते ही देखते चुनाव में शिकायत होने के बाद भी रीपोलिंग की परंपरा अब खत्म हो गई है। क्या हम मान लें कि देश में इतना आदर्श समय आ चुका है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से लेवल प्लेइंग फील्ड में आयोजित होने लगे हैं?
इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था क्या हमारे चुनावी ढांचे में जरूरी पारदर्शिता और स्वच्छता ला सकी है? यह सारी व्यवस्था इसी सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने के बाद लागू की है। अगर हम चुनावी जीत को ही अंतिम साध्य मान लें तो फिर ये सब जायज है राजनीतिक दलों के लिए। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका संविधान, इसकी संस्थाओं और लोकतंत्र की लड़ाई में नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी अगर इन सारी चीज़ों को दांव पर लगाकर किसी न्याय या फिर भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं तो आप इसे बचकाना आदर्शवाद भले कह लें, जो आप अक्सर करती भी रहती हैं, लेकिन मैं इसे व्यावहारिक राजनीति के ऊपर आदर्शवादी राजनीति को तवज्जो देना कहूँगा। इस समय में जब चुनावी जीत से भी ऊपर एक चीज़ है विचारधारा की लड़ाई, इस समय में विचारधारा के स्तर पर भाजपा और आरएसएस को चुनौती देना, तौलीन सिंह का ऐसे समय में ये कहना कि कांग्रेस चूंकि चुनाव नहीं जीत पा रही इसलिए उसे भाजपा का पिछलग्गू बन जाना चाहिए। I would have told him to begin his न्याय यात्रा from Ayodhya or to take it there, to go via Ayodhya. They could have taken the wind out of the sails of the BJP. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल विचारधारा की उसी लड़ाई में मुब्तिला हैं। विचारधारा के स्तर पर अगर कांग्रेस भाजपा की पिछलग्गू पार्टी बन जाती है तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए कौन सी गर्व करने वाली बात होगी, जहां हर दल कॉम्पिटिटिव धार्मिकता की रेस में लगा हो। क्या वैचारिक स्तर पर भारत को एक ऐसे राजनीतिक दल की जरूरत नहीं जो एक ऐसे लोकतंत्र का विचार दे जिसमें धार्मिक आस्था की एक सीमा हो, लोगों का जीवन महत्वपूर्ण हो न कि उनकी धार्मिकता, राजनीति समावेशी, उदार और विज्ञान सम्मत सोच को आगे बढ़ाए न कि एक समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की मंशा पाले। एक राजनीतिक विश्लेषक के पास वह दृष्टि भी होनी चाहिए जो तात्कालिक घटनाओं के उस पार जाकर देख सके कि उसके कहे लिखे का परिणाम क्या हो सकता है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक तौलीन सिंह में वह दृष्टि नदारद है। अगर अयोध्या में बन रहा मंदिर हिंदुओं का रेनेसां है तो क्या वह गारंटी दे सकती हैं कि इसके बाद मथुरा काशी पर दावा रुक जाएगा? क्या इसी तरह के सैकड़ों मस्जिदों पर दावे करने वाला दक्षिणपंथी कुनबा इसके बाद चुप हो जाएगा? अयोध्या में रेनेसां देख रही तौलीन सिंह में इस घटना के बाद खुलने वाले थाउजेंड्स ऑफ रेनेसां के दरवाजों को देख पाने वाली दृष्टि नहीं है। अगर यह दृष्टि नहीं है तो फिर सतही राजनीतिक विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं है। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। क्या ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी। राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। यह राम के आदर्शों का मंदिर, समाज के सभी वर्गों का मंदिर तभी बन सकता है जब इसके राजनीतिक दोहन की कुटिल मानसिकता खत्म हो, मंदिर पर भाजपा और आरएसएस का दखल खत्म हो, इसकी प्राण प्रतिष्ठा में चुनावी लाभ की मंशा किसी से छिपी नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। और अब एक बेमतलब की जानकारी, क्योंकि इन दिनों गांधी बेमतलब के हो चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा अयोध्या में मंदिर के निर्माण को अस्वीकार किया था। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को भी समाज के पैसे से बनाने की सलाह दी थी। गांधी से बड़ा हिंदू 20वीं सदी में कौन हुआ? रामराज्य की परिकल्पना गांधी की ही कल्पना थी। वो खुद को कट्टर हिंदू कहते थे, फिर भी सालों साल तक वो किसी मंदिर में नहीं गए। हर दिन सर्वधर्म प्रार्थनाएं करते थे लेकिन किसी मंदिर का दौरा नहीं किया। वो कहते थे, भगवान को किसी इमारत या मूर्ति की आवश्यकता क्यों है? रावण पर रामचंद्र जी ने जय पाया, और जय पाया और कैसा कि जिससे हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ। आज तो राम राज्य नहीं है क्योंकि राम नहीं है हमारे बीच में, तो हमारे क्या करना चाहिए? ऐसा उत्सव तो आ गया हमारे, जो राम और रावण का युद्ध है वो किताबों में तो यह बाहर का युद्ध है, क्योंकि हमारे भीतर में आसुरी संपत्ति भी है और दैवी भी है। दैवी संपत्ति है उसका अधिष्ठाता राम है, और आसुरी संपत्ति है उसका अधिष्ठाता रावण है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध चलता है, तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है, तो वो युद्ध में राम जीत जाता है, तो ईश्वर का जय होता है।
राम के जिस भाव को गांधी ने ग्रहण किया, उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लगभग 500 साल पहले व्यक्त किया। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। यानी राम स्वयं गुणों के मंदिर हैं, क्या सगुण क्या निर्गुण, जिसका व्यक्तित्व प्रबल सूर्य के प्रकाश के समान है, काम क्रोध अहंकार और अज्ञान का अंधेरा दूर करने वाला है। वो अपने भक्तों के मन रूपी मंदिर में रहते हैं, उनके लिए किसी घर या ईंट पत्थर के भवन की जरूरत नहीं। खैर, इस पूरी बातचीत का एक और पक्ष है, भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इससे पाकिस्तान के भीतर एक गहरे आत्मसंतोष का भाव पैदा हो रहा है। जिस द्विराष्ट्रवाद के विचार को उसने भारत के बंटवारे का आधार बनाया था, 75 साल बाद भारत उस पर अपनी मुहर लगा रहा है। भारत कह रहा है कि हाँ, हमने 75 साल पहले जो सफर शुरू किया था वह गलत था, हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते। यह गोलवलकर और सावरकर के दो धर्म दो राष्ट्र के विचार को भी संजीवनी दे रहा है। भारत में जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक होगा, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास भी अपने 75 सालों के कुकर्म को जायज ठहराने का बढ़िया बहाना होगा। भारत चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, हम हिंदुस्तान में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ वही करेंगे। भारत अपनी नैतिक ताकत खो रहा है। हमारे वर्तमान की चिंता और समस्या यह है कि हमने हमेशा अपने लोकतंत्र की कीमत बहुत कम लगाई, अपने संविधान और इसकी संस्थाओं को मुफ्त की रेवड़ी समझा, और आज़ादी की लड़ाई के बाद बने ढांचे की कीमत ही हम भूल गए। बीते 75 सालों में जो कुछ मिला था, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जिस बूढ़े व्यक्ति ने सीने पर गोली खाई थी, उसे हमने खेल समझ लिया। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि एक बूढ़ा जिस चीज़ के लिए गोली खा रहा है, उसे निरंतर निखारना है, पोसना है, मजबूत करना है। हमें लगा कि ये तो बना बनाया मिलता है, हमें तो बस उपयोग करना है। इसलिए हमने लोकतंत्र की लड़ाई छोड़कर एक दकियानूस विचारधारा का चीयर लीडर बनना चुना। हमने उस विचार को समर्थन देना शुरू कर दिया जिसका घोषित लक्ष्य सत्ता था, लेकिन छुपा हुआ लक्ष्य हिंदू राष्ट्र था। आज़ादी की लड़ाई के बाद बने लोकतांत्रिक सेकुलर भारत में उसकी कोई आस्था नहीं थी, तो हमने जो चुना था वो आज हमारे सामने है। इसे रेनेसां या फिर पुनर्जागरण कहकर इस पवित्र शब्द को बदनाम मत कीजिए। क्रांतियों और रेनेसां की यह परिभाषा अभिजात्य और संभ्रांत वर्ग ने गढ़ी है, वही अभिजात्य वर्ग जिसने कभी किसी क्रांति या फिर रेनेसां में हिस्सा नहीं लिया। इसका एक ही सच है कि वह हर दौर में या तो सत्ता के साथ सटा रहता है या फिर सत्ता की निगाहों में शहद बना रहता है, वह कभी किसी क्रांति या रेनेसां का हिस्सा नहीं होता। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। ही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन जैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द रेड माइक से है, जिसे सौरभ शुक्ला ने मणिपुर के इम्फाल शहर से भेजा है। यहाँ लगभग साल भर पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद बड़ी संख्या में विस्थापित हुए लोगों की जिंदगी बदल गई है। इम्फाल के एक विस्थापन कैंप में रह रहे लोगों की यह आप बीती है। आप कितने महीनों से हैं यहाँ पर? 8 महीना हो गया बोल रहा है। 8 महीने हो गए। इनका हाँ। घर कहाँ पर था आपका? मोरबुंग। हाँ। मोरबुंग है अभी घर, वहाँ पर के जला दिया, क्या हुआ था? हाँ। वो मोरबुंग में है, उसका घर जला दिया बोल रहा है। घर जला दिया, कोई नहीं है वहाँ पे अभी? बहुत मुश्किल में रहता है, बहुत मुश्किल में। हाँ। तो देखो, एक रूम में 5 आदमी भी है, 6 आदमी भी है, सिर्फ एक रूम देता है, 2 रूम तो नहीं मिलता है। एक रूम भी उसे छोटा सा है, उसमें 6-6 आदमी रहे। 6 आदमी भी है, 7 आदमी भी है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लें जल्दी से। नमस्कार।